पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के सुपौली ब्रह्मज्ञानी शिव मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा वाचक के तौर पर प्रमोद वशिष्ठ पधारे हुए थे। भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले 251 कलश साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसे सुपौली ब्रह्मज्ञानी से दरगाह होते हुए सुपौल मंदिर स्थान से जल भरकर दरगाह बरगछा होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचा गया, जिसमें महिलाएं एवं युवतियां शामिल होकर श्री राधे का जय घोष कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। कथावाचक प्रमोद बाबा ने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से मन शुद्ध होता है एवं विकार नष्ट होता है। गौरतलब है कि भागवत कथा संध्या 4 बजे से रात्रि के 8 बजे तक किया जा रहा है। ग्रामीणों ने भागवत कथा की जानकारी देते हुए कहा कि भागवत कथा 22 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। यज्ञ को सफल करने में पूर्व विधायक सरयू मंडल, पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक बीमा भारती, मुखिया अनोखा देवी, सुमन कुमार, गोपाल झा, जय कृष्ण आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलन जो श्री राम और माता सीता चरण होली खेले, चरण होली की भगवान श्री महाराज लक्ष्मण जी का करके माता सीता के चरण में अबीर लगाए, जैसे कि आपके बिहार में अभी नहीं लगाते चरण। उसके बाद द्वापर में ब्रजमंडल में होली प्रारंभ हुआ, वो कपोल होली हुआ, कपोल माने गाल, गाल में रंग लगाने लगे। और जब कन्हैया गोपियों को ज्यादा परेशान करने लगा तो गोपियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए लठ उठा लिया, डंडा उठा लिया, उस ढंग से लखामार होली बरसाने का प्रारंभ हुआ। बोलिए होली के रसिया की, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे यावर होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। हेलो भगवान ले चले अपने संग रे रसिया होली में, कोई देव बाजू बंद रे रसिया होली में, कोई गयो बाजू बंद रे रसिया होली में, कोई गयो बाजू बंद रे रसिया होली में, होली में होली में होली होली में, अरे होली में होली में होली होली में, होली में होली में होली होली में, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रे रसिया होली में, बाजू बंद रे रसिया होली में। बोलिए वृंदावन बिहारी सरकार की जय हो। अब अब भगवान गोविंद कुछ करके ईश्वरी राधा रानी को चरण सेवा किए, पैर दबाए, संतावन लंबे करने दबाए लगाए संतान बहुत दबाए चले। बोलिए राधा माधव सरकार। क्या बात
भगवान किशोरी राधा रानी को हाथ से उठा करके अपनी पास खुली रखते है। हाँ, अन्यथा हम बरात वापस कर देते अगर तिलक नहीं मिलता तो आज। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना, मेरे जितने भी पिता तो बुजुर्ग बैठे ना, क्योंकि बिहार में दहेज का बहुत बड़ा रीति रिवाज है। अपनी कथा को सबसे हमने एक बात सुनी थी, यहाँ नीतीश जी आए थे, उन्होंने इस गांव को ब्रह्मज्ञानी को सुपोली पंचायत को आदर्श ग्राम की उपाधि दिया था।